हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हमें आना हो या फिर स्टूडेंट इमिग्रेशन के हालात अभी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन के बारे में मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मगर मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो इमिग्रेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पे कनाडा का जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट का कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद आज वो यहाँ पे रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, जो RCIC अप्रूव कंसल्टेंट हम बोलते हैं वो है, और उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो उनको आप ऐसा समझो कि उनके पास पूरा नॉलेज है इमिग्रेशन के रिलेटेड। अब मेरा जो इमिग्रेशन का नॉलेज है वो बिल्कुल आप ऐसा समझो कि न के बराबर है, और इनका जो इमिग्रेशन का नॉलेज है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। मीन्स उनको पूरा पता है कि यहाँ पे हाल इमिग्रेशन की सिचुएशन क्या है और इमिग्रेशन के रिलेटेड आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो मैं आज आपसे अभी मिलवाने वाला हूँ मेरे फ्रेंड से जो यहाँ पे RCIC अप्रूव इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। तो ये है मेरे फ्रेंड मिस्टर हार्दिक गज्जर जो अहमदाबाद से है और मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तो आज हम इनसे पूछेंगे इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेरी, जिससे आपको अभी पता चले कि यहाँ पे हाल ही में अभी जो COVID-19 की सिचुएशन चल रही है उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या हालात है। तो अब बात करते हैं हम स्टूडेंट इमिग्रेशन से लेकर हार्दिक भाई गज्जर से। तो अभी हम उनसे पूछते हैं कि हाल ही में अभी जो COVID-19 की सिचुएशन चल रही है, इस सिनारियो में यहाँ पे मॉन्ट्रियल सिटी में इमिग्रेशन से लेकर क्या हालात है और स्टूडेंट इमिग्रेशन का यहाँ पे क्या हाल है, वो अभी हम उनसे पूछते हैं। तो हार्दिक भाई, यहाँ पे अभी मॉन्ट्रियल में, पर्टिकुलर मॉन्ट्रियल में स्टूडेंट इमिग्रेशन से लेकर अभी यहाँ पे क्या हालात है। मैं क्विकली आपको बता दूँ, आपका जो सवाल है उसके दो सवाल हैं एक ही में। सबसे पहला तो ये बात कि मॉन्ट्रियल की सिचुएशन क्या है आज, और फिर दूसरा कि इससे जुड़ा हुआ इमिग्रेशन की सिचुएशन क्या है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मॉन्ट्रियल जैसे बाकी शहर हैं उसी तरह से एक बहुत ही बिजी शहर है। दिस इज़ ये दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी शहर है कनाडा का। इसकी इकोनॉमी बहुत ही मायने रखती है कनाडा के लिए, और आज एक साल से ज़्यादा हो गया कोरोना को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन में जहाँ पर प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आती है तो स्कूल्स कभी भी यहाँ पे बंद नहीं हुए हैं। रेगुलरली स्कूल्स चालू हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं उतनी ही उत्साह से। तो इस शहर में कभी भी मोबिलिटी कम नहीं हुई है। दूसरी बात कि जहाँ तक यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, वो भी यहाँ पर वैसे ही चल रहा है। कर्फ्यू लगते हैं यहाँ पे, शाम को 8 से सुबह 5 तक के कर्फ्यू हैं, लेकिन दिन में अगर देखा जाए तो चाहे बस हो या मेट्रो हो या टैक्सीज हो, उसी तरह से चल रही है। काम में इफ़ेक्ट है, ओब्वियसली हमने मॉन्ट्रियल में अडॉप्ट कर लिया है नए तरीके को, तो वर्क फ्रॉम होम एक नया नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर। वैसे ही हायर एजुकेशन की बात करें तो जो इंटरनेशनल बच्चे यहाँ पर आते हैं वो, उनको आज की तारीख में अगर कंपलसरी है तो 50% कैपेसिटीज़ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ उनके कैंपस में बुला रही है। अगर ज़रूरी नहीं है तो उनको भी आज घर से ही पढ़ा रही है। सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम होम। सो राधर यू, आप चाहे अपने देश में हैं, जहाँ कनाडा के बाहर हैं, जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो सकता है कि कई कोर्सेज आपको उसी तरह से कनाडा में आने के बाद, मॉन्ट्रियल में आने के बाद उसी तरह से लेने पड़े आपको। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे आदिक भाई के किसी को अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो इस हालात में अभी यहाँ पे मॉन्ट्रियल में जी किसी को एडमिशन लेना हो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो अभी के सिनारियों के रिलेटेड यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, कोरोना आया 2020 में, जैसे उससे पहले सिचुएशन थी, मैं कहूँगा कि आज की तारीख में उससे कुछ ज़्यादा सिचुएशन बदली नहीं है। जो पहले एडमिशन
की प्रिपरेशन आपको करनी होती थी, जो जिस तरीके से पहले आप यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे, आज की तारीख में बिल्कुल ही उसी तरह से सिचुएशन है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप अगर कनाडा के बाहर है, यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ उनका रिफंड पॉलिसीज़ क्या है और वो किस तरह से आपको एडमिशन कितने समय में देते हैं, वो आप बिल्कुल ही तय कर लीजिए बिफोर अप्लाइंग, आपको एप्लीकेशन करने से पहले। ये चीज़ दो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हालात यहाँ पे चाहे कितने भी नॉर्मल हैं, चाहे आपका एडमिशन कितनी ही जल्दी से निकलता हो, लेकिन आप जिस देश में हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए क्या भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत डायनामिक है, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो उसको आप मिटिगेट करने के लिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप जहाँ पे हैं उधर से कनाडा आने के लिए क्या कंडीशन है। अदरवाइज एडमिशंस जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे हार्दिक भाई आपने बताया कि यहाँ पे एडमिशन पहले जैसे चल रहे हैं, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, मगर हमने सुना और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं उनको ये प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल में मीन्स क्यूबेक में 10 कॉलेज के CAQ सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो अभी उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या हालात है? देखिए, जहाँ तक आप ये बता रहे हैं कि सस्पेंड किए गए हैं, तो आज हम अप्रैल में हैं और ये सस्पेंशन तो कब का हट चुका है, बहुत ही टेम्पररी था जो दिसंबर और अर्ली जनवरी में लगा हुआ था। तो आज की तारीख में यहाँ पे हालात बिल्कुल ही नॉर्मल है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव नोट पे है, क्योंकि कनाडा की और इम्पॉर्टेंटली क्यूबेक की एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इतनी सख्त है, सख्त रुख अपना रही है कॉलेजेस पे कि कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो कम नहीं करना चाहती। इसकी वजह से जो ये 10 कॉलेजेस की बात है, उनके ऑडिट थे और उनकी ऑडिटरी कंप्लायंसेस थी और कुछ नहीं था। ओबियसली जहाँ तक इमिग्रेशन का सवाल है तो थोड़े समय के लिए रुकावटें आई है, लेकिन आज की तारीख में जब हम अप्रैल 2021 में बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे क्लाइंट्स भी हैं तो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके पॉजिटिव। तो शायद आज की तारीख में हमें इन 10 कॉलेजेस को अब आगे जाके कुछ अलग नहीं देखना चाहिए, जैसे बाकी दूसरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे ही ये 10 हैं। ये हो सकता है कि शायद उन्हीं कॉलेजेस में उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की कंडीशंस ज़्यादा कुछ और बढ़ चुकी हो, तो आपको उसमें एडमिशन मिलने में शायद तकलीफ हो सकती है, लेकिन उससे आगे इमिग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब हम हार्दिक भाई से पूछते हैं कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे सब इमिग्रेशन और वो सब चल रहा है, मगर अभी आप जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे कोविड की हालत बनी हुई है, तो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उनको अगर यहाँ पे स्टडी के लिए आना हो, तो उनको अभी ये कोविड की सिचुएशन के चलते किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? एडवांस में कोई उनको कोई प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए या एडवांस में ऐसी कोई प्रोसीजर करनी चाहिए पर्टिकुलरली कोविड-19 की हालात को देखते हुए? देखिए, कोविड-19 की हालात को देखते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहे वो कनाडा आ रहा है या कहीं भी जा रहा है, थोड़ा सा एक एडवांस प्रिपरेशन ज़रूरी हो चुका है। अपने पूरी प्रोसेस में जो पहले 4 महीने या 5 महीने का समय हम गिनते थे, उसको शायद 1-2 महीना और भी एडवांस में आपको ले जाना पड़ेगा। मेनली जो रीज़न है कि आप जो कंट्री में हैं वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक जो है वो कितना समय लगाता है, आपका मेडिकल जो है वो कितना समय लगाता है, अगर आपको पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत है तो वो कितना समय लगाता है, तो वो आपके लोकल ऑपरेशंस हैं जिस कंट्री में अभी आप हैं, और बिल्कुल सिर्फ उसी की वजह से आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेना है। जहाँ तक इमिग्रेशन कनाडा का सवाल है, जहाँ तक आपके इमिग्रेशन एप्लीकेशन का सवाल है, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसी स्पीड से उसी पेस से काम कर रहा है जो पहले काम करता था। हाँ, ये है, बीच में थोड़े हिकअप्स आ गए थे, थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा था, लेकिन आज जब अप्रैल में मैं देखता हूँ, तो अगर हम एक्सक्लूसिवली इंडिया की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम कुछ 12 हफ्ते हैं, तो ये मेरे ख्याल से शायद एक नॉर्मल टाइम है। एक और चीज़ कहूँगा कि जहाँ तक मॉन्ट्रियल का सवाल है, तो क्यूबेक का इमिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा एड ऑन है, तो उसकी वजह से 1 महीना और भी लेके गिने, क्योंकि आपको CAQ जो क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट है वो एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है स्टडी परमिट के अलावा। तो पहले आपको CAQ अप्लाई करना है, उसका एक्सेप्टेंस है, फिर आपको स्टडी परमिट अप्लाई करनी है, इसलिए 1 महीना ज़्यादा और भी चल के गिने,
तो इस माहौल में मैं गिनता हूँ कि शायद आप अगर 6 से 8 महीने के बीच का समय आपके स्टडी और आपके इमिग्रेशन एप्लीकेशन के बीच में अगर गिने तो यू वुड शुड बी कंफर्टेबल। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे हाल ही में कनाडा गवर्नमेंट ने इंडिया और पाकिस्तान की सारी फ्लाइटें 30 दिनों के लिए स्थगित कर ली है। दैट मीन्स यहाँ से कोई न तो इंडिया या पाकिस्तान जा सकता है और इंडिया और पाकिस्तान से न तो कोई यहाँ पे आ सकता है। जो भी फ्लाइट थी वो सारी फ्लाइट अभी कैंसिल कर दी गई है। तो हार्दिक भाई, अभी के जो ये सिनेरियो बने हैं, तो ट्रैवल के रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहता है तो उसको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अभी लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आप यहाँ पे ट्रैवल जो करना चाहते हैं आपका रीज़न क्या है। तो आप अगर स्टडी के लिए प्रिसाइजली आ रहे हो तो आपको ये भी समझना है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने आज 31 दिसंबर 2021 तक आपको छूट दी है। अगर जहाँ पर भी हो वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपके वीज़ा अगर लग चुके हैं, आपके कॉलेज का एडमिशन हो चुका है, सारी प्रोसीजर्स आपकी तरफ से कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ आने की देरी है, तो आप चाहे समर 2021 में भी आपका अगर यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता हो तो भी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे रह के यही पढ़ाई कर सकते हैं और उस पढ़ाई का जो आपको पीछे से वर्क परमिट में बेनिफिट मिलना है वही बेनिफिट मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक आपका प्रिसाइजली सवाल है कि ट्रैवल के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं, तो आप समझें कि ये 30 दिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी एक टेम्पररी सिचुएशन है। 30 दिन के बाद क्या होगा हमें पता नहीं है। हम भी इसी सिचुएशन से अभी काफ़ी सारे डिसीजंस बाहर आने हैं कि वेट कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझे, जिस समय पे अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं उस समय पे आपको सबसे पहले तो इधर आज की कंडीशन के हिसाब से आपको 3 दिन होटल क्वारंटाइन में रहना है और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल होनी चाहिए। तो आप निकलें उससे पहले मेक श्योर कि आप एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जहाँ पे आप 3 दिन रुकेंगे। आपका एयरपोर्ट उतरते ही कोविड का टेस्ट होगा और उस टेस्ट का रिजल्ट आते आते आपको 2 दिन लगेंगे और तब तक बिल्कुल आपको होटल में रुकना है। यूजुअली कैनेडियन गवर्नमेंट 2000 इसका खर्चा कहती है इन कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन कुछ 1000 से 1100 के बीच में इसका खर्चा प्रैक्टिकली आता है। उस होटल क्वारंटीन के बाद आपके पास एक रेडीनेस प्लान होना चाहिए जिसमें आप 14 दिन यहाँ पे कैसे क्वारंटाइन रहेंगे वो भी आप इमिग्रेशन को दिखा सकें जब बॉर्डर पे यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं तब। ये दो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ आने के लिए आपको आने से पहले जो है वो वेब फॉर्म भरना है गवर्नमेंट को, वेब फॉर्म नंबर 5 जो है उसको भर के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि यू आर गोइंग टू ट्रैवल। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू फास्ट। तो हार्दिक भाई, जैसे आपने बताया है कि यहाँ पे इमिग्रेशन की प्रोसीजर पहले के जैसी चल रही है, थोड़े बहुत प्रोसीजर में चेंजेस हुए हैं जी, मगर मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है अभी और उन्होंने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया है, तो वो केस में अभी हालात क्या है? तो हमारे पास ऐसी कई एप्लीकेशंस हैं जो कोविड के चलते हुए उन्होंने स्टडी परमिट अप्लाई किए थे और बिल्कुल ही पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे उनके पास बायोमेट्रिक्स नहीं है उनका, उनके पास उनके मेडिकल्स नहीं हैं और इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से या फिर इस प्रोसीजर में चाहिए थे वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो आज की तारीख, पहले आज तक क्या होता था कि कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक लिबरल डिपार्टमेंट है, तो हर 90 दिन पे, एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने पे एक 90 डेज पे एक रिमाइंडर जाता था कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में अभी तक नहीं है, तो हम आपको और एक 90 डेज दे रहे हैं, आप उसको फुलफिल करिए उस कंडीशन को और जो डॉक्यूमेंट्स हमने कहे हैं वो आप इस आपकी ही फाइल में जमा कीजिए। तो अभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल तक आने के लिए और ज़्यादातर आ गई है नॉर्मल, और उसकी वजह से वो कंडीशन इमिग्रेशन ने हटा दिए। अब ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आपका वीज़ा कोई रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम आपको 30 दिन का समय देंगे कि आपके बाकी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप जमा करें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आगे और भी 30 दिन में आपके सफिशेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, तो वैसे सिचुएशन में आप उनको एक एक्सप्लेनेशन दें कि
और 30 दिन में, क्योंकि हमारी कंट्री की या सिटी की या प्रोविंस या स्टेट की हालत ये है कि हम डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपके अगेन रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, आपको और भी समय जो है वो दिया जाएगा अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही है तो। तो दोस्तों, अभी हमने हार्दिक भाई से कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में अभी क्या हालात है, जो COVID-19 की सिचुएशन को लेकर यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं उस कंडीशन में यहाँ पे अभी हाल में क्या सिचुएशन चल रही है, उसका हमने एक बेसिक आइडिया लिया। मगर अगर आप समझो कि अगर एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, या फिर स्टूडेंट की पहले COVID-19 के सिचुएशन के पहले के हालात क्या थे और अभी COVID-19 की सिचुएशन के बाद यहाँ पे स्टूडेंट के क्या हालात है, वो जानने के लिए अभी हम जा रहे हैं स्टूडेंट से मिलने। तो हम उनसे पूछते हैं कि अभी यहाँ पे COVID-19 को लेकर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पर्टिकुलरली ये COVID-19 की सिचुएशन को लेकर अभी यहाँ पे, तो वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी दोस्तों, मैंने जो बताया इसमें इमिग्रेशन से रिलेटेड मेरा नॉलेज इतना नहीं है, मगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो या अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कि आप जानना चाहते हो कि अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अभी यहाँ पे क्या हालात है, तो उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हार्दिक भाई का 29 अप्रैल को वो यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं, उनका लाइव वेबिनार है, वहाँ पे अगर आप चाहो तो उनसे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनको यूट्यूब पे लाइव पूछ सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आप वो जो उनका वेबिनार है उसमें आप रजिस्टर हो जाओ, वो फ्री है, उसमें आपको कुछ चार्ज या ऐसा कुछ भी नहीं देना है। मगर आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पर्टिकुलर केस से रिलेटेड तो आप उनसे वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पार्ट 1। वैसे तो ये वीडियो मैं एक ही शॉट में लेना चाहता था, मगर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब पार्ट 1 में हमने डिस्कशन अभी की वो थे रजिस्टर्ड इमिग्रेशन लॉयर, जो यहाँ पे RCIC अप्रूव इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, और उनसे हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पे अभी क्या हालात बने हुए हैं। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से और उनसे हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी वो क्या फेस कर रहे हैं और पहले के हालात क्या थे एज़ कम्पेयर टू अभी क्या सीनारियो है, तो वो हम उनके शब्दों में जानेंगे। तो अब पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर इमिग्रेशन के रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप हार्दिक भाई से उनके लाइव जो वेबिनार है उसमें आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। इमिग्रेशन में मेरा इतना डीपली नॉलेज नहीं है, बराबर, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है और स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप उनसे पूछे तो वो बेहतर रहेगा, आपको एक लेजिटिमेट आंसर मिलेगा और लीगल एडवाइस मिलेगी जिससे आपको पता चले कि आप लीगल वे में यहाँ पे कैसे इमिग्रेट होके आ सकते हो, और उसकी जो भी लिंक और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो एक बार आप रिफ़र कर लेना। और वैसे आगे भी हम हार्दिक भाई से बात करते रहेंगे और फ्यूचर में इमिग्रेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हम उनसे अलग अलग टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं पार्ट 2।